हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो नीट के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, वो सभी क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2020। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसमें से फर्स्ट है, रिथ्रोब्लास्टोसिस को अवॉइड करने के लिए मदर की बॉडी में डिलीवरी के बाद इमिडिएटली क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो आप चारों ऑप्शंस पढ़िए और बताइए जल्दी जल्दी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सी, एंटी आरएच एंटीबॉडीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ डिजीज, कौन सी डिजीज का मैच बिल्कुल सही है, एंजीना में, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन या ट्रकार्डिया। फर्स्ट ऑप्शन एंजीना पेक्टोरिस। देन इन ह्यूमन किडनी हेल्प्स इन, क्या फंक्शंस होते हैं किडनी के ह्यूमन में, पीएच को रेगुलेट करना, नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करना या फिर ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट, तीनों होते हैं, ऑल ऑफ दीस, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, किडनी के अलावा कौन से ऑर्गन हेल्प करेंगे रिमूवल करने में एक्सक्रीटरी वेस्ट को, तो इनमें से कौन से ठीक हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट यानी कि चार हेल्प करते हैं। देन इम्फाइसिमा डेवलप्स मेनली बिकॉज ऑफ, इम्फाइसिमा इनमें से किस कारण से होता है, मेनली किस कारण से होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि सिगरेट स्मोकिंग, राइट, ये कॉज करवा देता है इम्फाइसिमा को। देन क्वेश्चन नंबर 6, जो हार्ट की साउंड आती है डब, वो कब प्रोड्यूस होती है, किस वजह से, तो जब सेमी लूनार वॉल्व्स बंद होते हैं तब ये आवाज़ आती है, तो ऑप्शन डी, सेमी लूनार वॉल्व गेट क्लोज्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आरएच फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर, आरएच वर्ड कहाँ से आया है, मंकी से, ड्रोसोफिला, रैट या मैन, सो ऑप्शन ए यानी कि मंकी इज द करेक्ट आंसर। देन इन ब्लड WBCR, ब्लड में जो WBC होते हैं वो RBC से कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, सेकेंड ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन से, जल्दी से पढ़िए, ऑप्शन डी, वाटर एंड सम मिनरल्स। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मस्कुलर स्फिंक्टर विच रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, कौन रेगुलेट करेगा ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, पाइलोरिक, कार्डियक या गैस्ट्रो ईसोफेगल, बोथ 2 और 3। आगे बढ़ रहे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर एंजियोटेंसिन 2, कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, वो इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को या GFR को, तो सारी ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीस, चारों ही करेक्ट है यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, ह्यूमन किडनी 4 times कंसनट्रेटेड ब्लड प्रोड्यूस कर सकती है, यूरिन, जो GFR है वो कम हो जाएगा तो JG सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ANF वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा या ADH न्यूरो हाइपोफाइसिस से प्रोड्यूस होता है, गलत बतानी है आपको, तो ऑप्शन सी यहाँ पर था। देन बाइल इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो आपको बताना है सिंथेसाइज कौन करेगा और स्टोर कौन करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यानी कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर बिल्कुल सही है। देन 14th है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन टू, किसमें खुलती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और कौन गार्ड करेगा, चारों ऑप्शंस पढ़िए एंड विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ड्यूडेनम में खुलेगी एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी उसको गार्ड करता है, ठीक है। देन ह्यूमन सकस एंट्रिकस इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है सकस एंट्रिकस को, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ब्रूनर ग्लैंड या फिर ग्लैंड्स या फिर गॉबलेट सेल्स या सब मैक्सिलरी, सो ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स, क्या वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एपिथेलियल सेल से, वो ट्राइग्लिसराइड को कंटेन करेंगे या फिर प्रोटीन कोटेड है, ऑल ऑफ दीज, चारों बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द बैरियर बिटवीन एयर इन एल्वियोलस एंड प्राइमरी सॉरी पल्मोनरी कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ 3 layers, क्या होती है टोटल थिकनेस, मच लेस देन 1 millimeter,
सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कंटेन्स एक्सेप्ट, क्या होगा एक चीज के अलावा? तो यहाँ पर जे जी ए में क्या नहीं होगा? पोडोसाइट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब, ग्लूकोज को किस तरीके से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच सेगमेंट डज नॉट प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, इनमें से कौन सी सेगमेंट पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन नहीं करेगी? चार ऑप्शंस में से लूप ऑफ हेनली बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो यहाँ पर चारों में से ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल एंड ह्यूमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, डिक्रीज कौन करेगा ब्लड प्रेशर को? तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड एट्रियोटिक फैक्टर, एट्रियोनेट्रियोटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 23, पैपिलरी मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन ट्रैकिया आर इनकम्प्लीट एट विच सरफेस, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल या वेंट्रोलेटरल? सो ऑप्शन 1, यानी कि डॉर्सल सरफेस से जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होंगी ट्रैकिया में, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, क्या होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा? सेमिलुनर वॉल्स बंद होंगे, 30% ब्लड ज़्यादा होगा, ट्राई बाइकस्पिड बंद होंगे या वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा? ऑप्शन सी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। थैंक यू।